नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नुपुर शर्मा का मामला बढ़ता ही जा रहा है। नुपुर शर्मा पे जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है उसको लेकर के कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और आज उसी केस से जुड़े हुए जस्टिस पारदीवाला ने ये कहा है कि सोशल मीडिया पे लगाम लगना चाहिए और उन्हें यानी कि जो इस केस में जुड़े हुए जजेज हैं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी की निलंबित नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों में से एक जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ये कहा है कि संवेदनशील मामलों में सोशल मीडिया ट्रायल के जरिए न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जजों पर उनके फैसले को लेकर के व्यक्तिगत हमले एक खतरनाक परिदृश्य की ओर लेके जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत को नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी मौखिक टिप्पणियों के बाद निशाना बनाना शुरू किया है। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि देश भर में उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए, उन्हें वहाँ एक जगह पे क्लब किया जाए और अपनी याचिका में उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया था। और इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नुपुर शर्मा पे तल्ख टिप्पणियाँ की, तीखी टिप्पणियाँ की। जजेस ने कहा कि उनकी विवादित टिप्पणी के बाद से देश में आज जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, उसके लिए अकेले वो जिम्मेदार हैं और उदयपुर की घटना के लिए भी उनके बयान को जजों ने जिम्मेदार ठहराया। जजेस ने ये कहा कि उनकी टिप्पणी की वजह से देश भर में लोगों की भावनाएँ भड़की हैं। साथ ही ये भी कहा था कि पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई। और अब जब एकदम से कहिए कि रायता फैल चुका है सब और एक खास नजरिए से लोग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है उसको लेकर के, तो रविवार देर शाम वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहीं पे उन्होंने ये कहा कि संविधान के तहत कानून के शासन को बनाए रखने के लिए पूरे देश में डिजिटल और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जब इतनी सारी बात हो गई तो अब वो ये कह रहे हैं जस्टिस आदरणीय जस्टिस पारदीवाला जी के पूरे देश में डिजिटल और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। और भारत में जिसे पूरी तरह से परिपक्व लोकतंत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अक्सर विशुद्ध कानूनी और संवैधानिक मुद्दों का राजनीतिकरण करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि सख्त टिप्पणी करने वाले जजों को लेकर के सोशल मीडिया पर यूजर्स काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं और जजों को सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ट्रोल भी किया है। काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, इवन राहुल गांधी ने भी जिस दिन ये बात होती है, जिस दिन सुबह 11 बजे तक जजेस ने ये टिप्पणी कर दी थी उसके फौरन बाद राहुल ने भी ये कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा का बयान और बीजेपी दोनों लोग जिम्मेदार हैं। तो उसी दिन से एक तरह का लोगों के दिमाग में एक द्वंद सा चल रहा है और उसको वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। आप देखिए किस किस तरीके से यूजर्स जो हैं बात कर रहे हैं, उनको उनकी संवेदी देखकर कैसा लगता है कि नुपुर शर्मा के साथ है। और जजेस ने जो टिप्पणी की है कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी भावनाओं को आहत किया गया है। तो दोस्तों, ये एक तरह से शायद से इससे पहले कम देखने को मिला है। ये पहली बार जजेस ने भी अपनी सफाई में कुछ कहा है।
तो आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। फिलहाल इतना ही, मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।